गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड द टॉपिक इज ओशंस, ओके, हाइड्रोस्फीयर. ओके, एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 3. सो इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द कंटेंट्स ऑफ दिस चैप्टर. What we are going to study in this chapter, जैसे lithosphere and continents. So हम यहाँ पर जो है lithosphere और उसके जितने भी continents हैं, ठीक है, lithosphere जो है हम उसको study कर चुके हैं, continents हमने study कर लिए. इसमें last continent हमारा जो है वो रह गया था, time over हो गया था, तो इसीलिए last continent हमारा Antarctica जो था वो रह गया था. आज हम वो study आज वहीं से start करेंगे. ओके, एंड देन वी विल स्टडी अबाउट द हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर में भी हम ओशंस के बारे में स्टडी करेंगे आज. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक लिथोस्फीयर. ओके, देन यस, वी स्टडीड अबाउट द कॉन्टिनेंट्स. सिक्स कॉन्टिनेंट्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द सिक्स कॉन्टिनेंट. एशिया, यूरोप, देन अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, देन ऑस्ट्रेलिया. एंड स्टूडेंट्स, आज जो हम स्टडी करेंगे वो हम करेंगे अंटार्कटिका. ठीक है, ये लास्ट जो हमारे पास था, लास्ट कंटिनेंट जो था ये हमारा रह गया था पिछले लेक्चर के अंदर, तो हम इसे आज देख लेते हैं. जो अंटार्कटिका आपका कंटिनेंट सेवन कंटिनेंट्स में जो आपका लास्ट कंटिनेंट है ये अंटार्कटिका, इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं आज. ओके, सो अंटार्कटिका एक्चुअली क्या है कि इस जो कहिए जो कंटिनेंट है, देखिये इसके ऊपर ज्यादातर लोगों की नजर नहीं होती, क्योंकि ये क्या होता है, अंटार्कटिका आप देख रहे हैं बिल्कुल नीचे जो है ना आपके साउथ पोल के पास. ठीक है, साउथ पोल में हमें बताया ना कि हमने पीछे किया ना, पिछले चैप्टर्स में हमने पूरे ग्लोब की स्टडी की है, जिसके अंदर हमने देखा था कि हमारे पास होता है एक तो ये सदर्न हेमिस्फेयर होता है और एक नदर्न हेमिस्फेयर होता है. तो सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर हमारे पास लास्ट में ये हमारे पास साउथ पोल होगा. ठीक है, यहाँ पर ऊपर जो है नॉर्थ पोल होगा. तो हमारे पास जो अंटार्कटिका जो सेवंथ कॉन्टिनेंट है, जो हमारा अंटार्कटिका वो बिल्कुल साउथ पोल पे ही लाई करता है. ओके, आप यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए इसके अंदर बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ये कि ये आपके पास पूरा, ये आपके पास पूरा जो है ये ग्लोब है. ठीक है, ये पूरी आपके पास अर्थ है और उसमें ये बिल्कुल नीचे जो है, नीचे वाला पोर्शन आपका सदर्न हेमिस्फीयर है, और इस सदर्न हेमिस्फीयर में जो ये लास्ट में यहाँ पर आपके पास क्या होता है ग्लोब के अंदर, हमने देखा था ये ग्लोब है. तो यहाँ पर आपके पास जो एक्सिस जो निकलते हैं आपके ना, एक्सिस थे जो आपके यहाँ पर, तो ये आपका क्या था, यहाँ पर साउथ पोल था. तो ये यहीं पर जो अंटार्कटिका कंटिनेंट जो है ये साउथ पोल पर लाई करता है. सो अंटार्कटिका कम्प्लीटली इन साउदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर इज अ ह्यूज कंटिनेंट. ओके, एंड दिस द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कंटिनेंट. और ये जो साउथ पोल है ना, ये देखिए आप, ये जैसे आपके पास मैप दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर अंटार्कटिका कंटिनेंट्स का. सो यहाँ पर ये देख रहे हैं, देखिए ये पूरा का पूरा कंटिनेंट है और इसमें जो साउथ पोल जो है ना, बिल्कुल यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट ये कंटिनेंट साउथ पोल के बिल्कुल सेंटर में ये लाई करता है. ठीक है, यहाँ से अंटार्कटिका है, ये नीचे से सारा जो है लेके चलता है और बीच में ये जो साउथ पोल है ये बिल्कुल सेंटर में आता है अंटार्कटिका के. ओके, सो ये साउथ पोल जो है, द साउथ पोल लाई ऑलमोस्ट एट अ सेंटर ऑफ द ऑफ दिस कंटिनेंट. जो आप इस कंटिनेंट के, जो अंटार्कटिका कंटिनेंट है, इसके इस मैप में देख सकते हैं कि बिल्कुल सेंटर में ये आपको साउथ पोल नजर आ रहा है. सो एज इट इज लोकेटेड ऑन द साउथ पोलर रीजन, क्योंकि हमें देखे, हमने पीछे स्टडी किया था कि जो हमारे साउथ पोल होते हैं या हमारे नॉर्थ पोल होते हैं, वहां पर क्या होगा, हमेशा वहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है. ठीक है ना, तो वहां पर जो है फ्रीजिंग रहती है हमेशा. तो अब वहां पर क्या है, जब हमने सारा स्टडी किया हुआ है तो वहां पर जो ह्यूमन सेटलमेंट है ना वो वहां पर पॉसिबल नहीं है.
और ह्यूमन सेटलमेंट में भी मतलब कि वहां पर ज्यादातर इसीलिए लोग इतना ज्यादा नहीं जानते क्योंकि वहां पर ह्यूमन सेटलमेंट नहीं होती, परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं होती। परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट का मतलब होता है कि लोग जाते हैं लेकिन कभी जैसे होते ना कहीं जैसे रिसर्च करने के लिए जाते हैं, ठीक है, वो तो वहां पर रिसर्च स्टेशन भी है वहां पर, इसीलिए तो रिसर्च रिसर्च वगैरह करने के लिए जैसे साइंटिस्ट है और सब जाते हैं, तो वो उस तरह की सेटलमेंट वहां पर होती है कि जब उनको वहां पर उस टाइम पर थोड़ा समर टाइम आता है तो थोड़ा सा वहां पर जाने लायक मौसम होता है तो वो वहां पर जाकर रिसर्च करते हैं। ओके, तो लेकिन परमानेंट सेटलमेंट जो होती है इस कंटिनेंट पर नहीं हो सकती। तो एज इट इज लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन, क्योंकि साउथ पोलर रीजन पर लोकेटेड है, सो इट इज परमानेंटली कवर्ड विद द थिक आइस शीट, ठीक है, इसीलिए ये जो है ना बहुत ही मोटी जो है बर्फ की परत से ये कवर्ड होता है, परमानेंटली कवर्ड होती है ये कंटिनेंट। एंड देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट यहाँ पर नहीं होती। यानी मेनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशन, ठीक है, कई जो कंट्रीज हैं उनके यहाँ पर रिसर्च स्टेशन है इन अंटार्कटिका में, क्योंकि रिसर्च तो ये सब करते रहते हैं तो रिसर्च स्टेशंस हैं। सो इंडिया आल्सो हैज रिसर्च स्टेशन देयर, इंडिया का भी यहाँ पर एक रिसर्च स्टेशन है एंड दीज आर नेम्ड एज मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। ओके, तो ये जो आपके पास यहाँ पर जो रिसर्च स्टेशन है जिनके नाम क्या है, मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री, तो इस तरह के यहाँ पर आपको स्टेशन मिल जाते हैं, रिसर्च स्टेशन मिल जाते हैं जहाँ पर ये किसके अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है ये वहां पर रिसर्च स्टेशन पर जाकर उस एरिया की इस कंटिनेंट का रिसर्च करते हैं। लेकिन यहाँ पर परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं हो सकती क्योंकि ये क्या होता है, ये हमेशा ही एक थिक आइस शीट के साथ परमानेंटली कवर्ड होता है ये कंटिनेंट। क्लियर? तो नेक्स्ट टॉपिक इज, यस, नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर, अब आपने लिथोस्फीयर के बारे में स्टडी कर लिया, लिथोस्फीयर में आपको क्या बताया, जितना भी आपका लैंड मासेस होगा वो लिथोस्फीयर में आएगा। और हाइड्रोस्फीयर में क्या होगा, हाइड्रोस्फीयर होगा जहाँ हाइड्रोस्फीयर में क्या आता है, जो भी आपका आपकी वाटर बॉडीज होती हैं वो सब आपकी हाइड्रोस्फीयर में होती है, हाइड्रोस्फीयर में आती है। ओके, सो द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, अर्थ को जो है एक ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। अब ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है, अब ब्लू प्लैनेट क्यों कहेंगे, जैसे आप देखें तो जैसे आपने वर्ल्ड वर्ल्ड मैप में देखें या आप ग्लोब पर देखें तो आपके 7 कंटिनेंट हैं, इसके अलावा आप देखते हो कि सारे में जो है ब्लू, सारे में ब्लू ब्लू आपको दिखाया जाता है, ठीक है, ब्लू कलर होता है जो कि ओशियंस वगैरह को रिप्रेजेंट करता है। अब आपने पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, पिछले चैप्टर में जब हमने सिंबल्स में देखा था तो हमने वहां पर आपको बताया था ना कि जो ब्लू कलर होता है वो ऑलमोस्ट किसके लिए, के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, वाटर के लिए हम ब्लू कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ब्राउन कलर जो होता है वो माउंटेन्स के लिए हम लोग करते हैं रिप्रेजेंट उसको, ठीक है, तो ग्रीनरी के लिए हम ग्रीन कलर यूज करते हैं। तो ये कलर जो है ये एक तरह के सिंबल है जो ये बताते हैं कि हाँ किस चीज को ये मेंशन करते हैं। अब हमारी जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर क्या है, बहुत बड़े बड़े ओशियंस हैं, सीज हैं, ओके, लेक्स, रिवर्स, तो बहुत बहुत बड़ा पोर्शन जो है हमारे यहाँ पर वॉटर से कवर्ड है। तो अब अगर हम अर्थ को ऊपर से देखें, स्पेस से मान लो अगर हम देखते हैं तो हमें ज्यादातर वो क्या नजर आएगा, ब्लू ब्लू कलर का नजर आएगा। तो इस अर्थ को हम ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। एंड मोर देन 71% अर्थ इज कवर्ड विद द वॉटर। और अगर हम बात करें तो अर्थ के ऊपर जो हमारी ये अर्थ जो है उसमें मोर देन 71% 71% से भी ज्यादा जो पोर्शन है अर्थ का वो किससे कवर है, वोटर से। अगर हम यहाँ पर देखें भाई 71% अगर हमारा वोटर से कवर है तो माइंड में क्या बात आती है कि जब 71% जो है यहाँ पर अर्थ के ऊपर वोटर है तो हमें वोटर की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो हम ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं आजकल, जैसे स्लोगन चलता है कि भाई सेव वोटर सेव वोटर, तो वोटर को बचाने की क्या जरूरत है, जब 71% अर्थ के ऊपर अर्थ जो है वो वोटर से कवर है तो हमें कमी ही नहीं है वोटर की, कोई हमारे पास तो बहुत ज्यादा है तो हमें वोटर बचाने की क्या जरूरत है। एंड अगर 71% वोटर से कवर है तो 29% फिर किसके साथ कवर है, लैंड, यानी कि यहाँ पर केवल 29% जो है वो लैंड है और 71% आपका ये
वाटर से कवर्ड है हमारा अर्थ। तो हाइड्रोस्फेयर, अब यहाँ पर बात आती है, जैसे कि आपको बताया कि 71% है, तो माइंड में ये आता है कि फिर तो पानी की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी क्या है, एक स्टोरी है कि 71% हमें दिख रहा है कि ज्यादातर अर्थ हमारी वाटर से कवर है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर सेव वाटर हम ये क्यों बोलते हैं, तो वो अभी हम देखेंगे। देखो, हाइड्रोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर जो होते हैं इसमें जो वाटर होता है वो अपनी कई फॉर्म्स में होता है, जैसे यहाँ पर क्या होंगे, ओशियंस है, रिवर्स, लेक्स, ग्लेशियर, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्या होती हैं, फॉर्म्स होती हैं वाटर के, ठीक है, जो इसमें आती है हमारी हाइड्रोस्फीयर में, हर तरह की जो है फॉर्म वो जहाँ पर वाटर हो वो सब हाइड्रोस्फीयर में आती है। तो अब मेन जो यहाँ पर आएगा, जो ये मेन जो बात आती है यहाँ पर ओशियंस की, क्योंकि ओशियंस जो होते हैं बहुत बड़े बड़े ओशियंस है, और ज्यादातर जो वाटर वाटर होता है बहुत ज्यादा ओशियंस के अंदर आपको पाया जाता है, ठीक है, ये बहुत बड़ी वाटर बॉडीज होती हैं। तो मेन हम इन्हीं की बात करते हैं ओशियंस की। तो ओशियंस के बारे में कहा जाता है कि एज रनिंग वाटर इन ओशियंस एंड रिवर्स एंड इन लेक्स, आइस एंड ग्लेशियर, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर एंड वाटर वेपर इन एटमोसफेयर ऑल कंप्राइजेस द हाइड्रोस्फीयर। मतलब कि जितना भी आपके पास जो ओशन में वो रनिंग वाटर है, या आपके पास रिवर है, ठीक है, एंड लेक्स में आइसिंग ग्लेशियर और अंडरग्राउंड वाटर हो गया आपके पास, एटमोसफेयर में वाटर वेपर हो गए, तो ये सब हमारे हाइड्रोस्फेयर में लेकर आते हैं। सो मोर देन, अब ये देखो, ये टोटल मिला के मान लो, अब हम बात करते हैं वाटर की, मान लो हमने यहाँ पर अभी ये तो बता रहे 71% हमारा किसमें है, 71% जो हमारा अर्थ जो है वाटर से कवर है। तो अगर हम मान लो ये लेकर चलते हैं कि 100% जिसको वाटर को लेकर चल रहे हैं, ठीक है, वाटर बॉडीज, मतलब 71 में 100%, इसमें से जो 97% अगर हम निकालें, ठीक है, 97% अगर हम निकालें अर्थ का जो ये वाटर है, तो मोर देन 97% अर्थ वाटर इज फाउंड इन ओशियंस। ये देखिए, ये आप पिक्चर में देख रहे हैं कि ओशियंस में आपको जितनी टोटल आपका अर्थ वो अर्थ के वाटर है उसका 97 से भी ज्यादा, यानी 97.5% आपका जो वाटर है वो ओशियंस में पाया जाता है। एंड इस टू सॉल्ट, और हमें पता है कि ओशियन वाटर कैसा होता है, सॉल्टी होता है, नमकीन होता है, जो कि ह्यूमन के यूज के लिए ह्यूमन जो है वो उसको यूज नहीं कर सकता सॉल्टी वाटर को, ओके, सो ये बहुत ज्यादा सॉल्टी होता है तो इसीलिए इसको यूज नहीं कर सकते। आप ये देखिए, अब 97.5% पर निकल गया बाहर, जितना हमारा वाटर बॉडी है उसमें से 97% तो वाटर हमारा बाहर निकल गया जिसे हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब यूज नहीं कर सकते, अब हमारे पास रहे कितना गया आगे, 2.5% हमारे पास रह गया, ठीक है। तो अब हम अगर बात करें, अ लार्ज पोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट एंड ग्लेशियर्स। अब जितना ये 2.5% आपके पास रह गया है, अब इसमें से भी बहुत बड़ा पोर्शन आपका किस फॉर्म में है, आइस शीट्स के फॉर्म में है और ग्लेशियर्स के फॉर्म है, और अंडर द ग्राउंड एंड अ वेरी स्मॉल, ठीक है, तो ये इन सब की फॉर्म में है। यानी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपके पास सिर्फ फ्रेश वाटर जो बच जाएगा वो आपके पास 0.03% आपके पास फ्रेश वाटर बचता है जो आप यूज कर सकते हो, क्योंकि आपके पास 97% तो चला गया ओशियन वाटर के अंदर, जो आगे आपके पास बचा उसमें से उसका जो आपके पास ये 97.5 में से 100 में से ही निकाल लीजिए, तो उसमें से जो ये बचा है उसका भी ऑलमोस्ट पार्ट आपका आइस शीट एंड ग्लेशियर और ग्राउंड वाटर के अंदर चला गया। अब बचा कितना, सिर्फ 0.03% वाटर जो है वो आपको अवेलेबल है फ्रेश वाटर के रूप में, जो कि एक जो भी जो कि एक जो हम ह्यूमन बींग्स है वो उसको यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर है कि किस क्यों हम जो है यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको सिर्फ कितना परसेंट यूज कर सकते हैं, 0.03% जो है जो हमारे यूज के लिए है वाटर। सो हेंस डिस्पाइट बीइंग अ ब्लू प्लैनेट वी फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो इसीलिए क्या है, हमारा अर्थ जो है वो ब्लू प्लैनेट होते हुए भी,
ठीक है, उसको हम, वो हमारा ब्लू प्लेनेट है, लेकिन ब्लू प्लेनेट होते हुए भी हम उस हमारे हम अभी भी जो है वाटर की शॉर्टेज को फेस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो अभी आपको क्लियर हो गया, क्योंकि उसमें से जितना हमारे पास टोटल वाटर बॉडीज हैं उसमें से 97.5% आपका ओशियंस में चला गया, और जितना आपके पास बचा उसमें से भी ऑलमोस्ट पार्ट आपका आइस शीट के अंदर, ग्लेशियर्स के अंदर, अंडरग्राउंड वाटर में चला गया। सो सिर्फ कितना बचता है आपके पास, 0.03% जो है पोर्शन आपका सिर्फ पीने का पानी, जो फ्रेश वाटर है वो है। इसीलिए हमारा ये ब्लू प्लैनेट होते हुए भी इसे हम यूज नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, यस। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ओशियंस। अब हमने अभी देखा ना कि 97.5% हमारे पास किससे कवर है, ये ओशियंस। ओशियंस में ज्यादातर पानी पाया जाता है। तो और भी फॉर्म जैसे हमने देखी, ग्लेशियर्स हैं, आइस शीट हैं, या और वाटर बॉडीज हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, ठीक है, बहुत सारी फॉर्म है, लेकिन मेन क्या है उसमें, ओशियंस। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ओशियंस की स्टडी करेंगे। ओके, सो ओशियंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। जो हमारे ओशियंस होते हैं वो हमारे हाइड्रोस्फीयर का एक बहुत बड़ा पार्ट है, एंड दे आर इंटरकनेक्टेड। ओके, सो आप जो है ये आप देखते हैं, देखिए हमारे पास ये ग्लोब है, इसके अंदर हमने देखा कि ये हमारे पास सारे, हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं, लिथोस्फीयर, जो हमारे जितने भी ये कंटिनेंट हैं, जो हमारे लैंड मासेज हैं, लिथोस्फीयर हैं, ये सब हमने स्टडी कर लिए हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये सारा पोर्शन जो आप देख रहे हैं सारा, ठीक है, ये आपके पास किस में आता है, ओशियन में। जैसे आप देख रहे हो पैसिफिक ओशियन, ये अटलांटिक ओशियन, यहाँ अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, ओके, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन। सो ये सब आपके पास क्या है, सारे ओशियंस के फॉर्म में है, ठीक है। सो अब हमने इनकी स्टडी करना है। सो द ओशियंस वाटर आर ऑलवेज मूविंग। अच्छा एक और बात है कि यहाँ पर हमारे पास जो ओशियंस हैं, जो मेजर आपके पास, जो आपके पास 5 मेजर ओशियंस होते हैं, वो कौन कौन से हैं। एक तो हो गया पैसिफिक ओशियन, ठीक है, एक आपके पास क्या हो गया अटलांटिक ओशियन, एक इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन और आर्कटिक ओशियन। अच्छा हम कई बार क्या कहते हैं, हम बोलते हैं ना, जैसे कई बार आप देखते हो सॉन्ग भी आता सात समुंदर, तो हम जब हमारे पास 5 ओशियंस हैं तो हम 7 कैसे बोलते हैं, 7 कैसे है। तो 7 देखिए, 7 इन्होंने कैसे डिवाइड करके बोला है, जैसे पैसिफिक ओशियन है ये, तो पैसिफिक ओशियन में इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर इसको, इधर वाला जो पोर्शन है इसको कर दिया नॉर्थ, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, ठीक है, और यहाँ पर ये हो गया साउथ पैसिफिक ओशियन, इसमें डिवाइड कर दिया इसे। ऐसे ही जो हमारा अटलांटिक ओशियन है, यहाँ पर इसे कह दिया नॉर्थ अटलांटिक ओशियन और ये बोल दिया साउथ अटलांटिक ओशियन। तो इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से काउंट करके इन्होंने बोल दिया था हमारे यहाँ पर 7 ओशियंस। हालांकि हमारे जो ओशियंस होते हैं, जो फाइव हमारे पास जो मेजर ओशियंस हैं, वो कितने होते हैं, 5। तो इन्हीं 5 जो मेजर ओशियंस हैं इनकी हम स्टडी करेंगे। ओके, सो यहाँ पर अब क्या है कि द ओशियंस वाटर आर ऑलवेज मूविंग। जो ओशियन वाटर होता है, वाटर्स होते हैं, वो हमेशा मूव करते रहते हैं। अब मूव करते रहते हैं, देखिए हमें तो कभी नहीं लगेगा, अगर आप कभी भी देखें ओशियंस को देखें, ठीक है, तो आपको कभी नहीं लगेगा कि वो मूव करते हैं, यानी वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक है। आपको लगता है कि वो एक ही जगह पर है, जहां पर जो वाटर है वो वहीं पर है, जो ओशियन है के अंदर जो पानी है वो वहीं है, नहीं, लेकिन नहीं, वो मूव नहीं करता। इसे हम एक एग्जांपल से देख सकते हैं। मान लो हम उसमें क्या करते हैं, एक अपनी इंक डालें, ठीक है, इंक डाल दें तो क्या होगा, धीरे धीरे वो इंक उसमें फैल जाएगी, या वो क्या होगा, और एक टाइम के बाद वो इंक जो है वो आपको नजर नहीं आएगी, गायब हो जाएगी, मीन्स कि वो मूव कर रहा है। ऐसे ही अब मान लो जैसे वहां पर अगर एक, मान लो आप क्या कर जाते हैं, एक बोट छोड़ दें, ठीक है, बोट जो है वो मान लो वहां पर छूट जाती है, अब वो बोट क्या होगी, वो वहां किनारे से धीरे धीरे करके वो अंदर चली जाती है, बहुत अंदर तक ओशन में चली जाएगी। वो कैसे जा रही है, क्योंकि ओशन वाटर जो है वो मूव करता रहता है, तो ये मूविंग होती है, ऑलवेज मूव करती है, ठीक है, हमें नजर नहीं आएगी, हमें लगेगा नहीं कि वो मूव कर रही है, लेकिन ओशन वाटर जो होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं। एंड द थ्री चीफ मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर्स आर द, अगर हम 3 मेन जो है मूवमेंट ओशन की देखें कि किस तरीके से ओशन वाटर मूव करता है, तो जो 3 चीफ मूवमेंट्स हैं
ओशन वाटर की वो कौन कौन सी होती हैं? वेव्स, टाइड्स एंड ओशियन करंट। सो वेव्स क्या होंगी? वेव्स जैसे लहरें जिनको बोलते हैं, आप देखते हैं कि पानी एकदम से आपके किनारे पर आता है, ठीक है, एकदम से वेव्स आती हैं बहकर और एकदम पीछे जाती हैं, तो वो वेव्स होती हैं, ठीक है, जिसके जिनसे क्या होगा, पानी आपका जो वाटर है, ओशन वाटर है, वो मूव कर रहा है इस तरीके से वेव के जरिए। दूसरा हो गया टाइड। टाइड में क्या होते हैं, जब आपका जो पानी होता है ना, जो वाटर होगा वो ऊपर बहुत ज्यादा हाइट पर जाए और फिर बहुत लो जाए, तो हाई और लो पर जब ये वाटर जो होता है ओशन वाटर, जब वाटर होता है वो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे जाता है, हाई या लो पे जाते हैं, तो वो हम किस फॉर्म में होगा? टाइड्स। तीसरा होता है ओशन करंट। ओशन करंट, करंट का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर ओशन में मतलब कि पानी में करंट आएगा, नहीं, ओशन करंट मतलब कि जब पानी जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाता है, ठीक है, डिस्प्ले हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि मान लो यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर वोटर जो है ओशन वोटर यहाँ पहले अफ्रीका में इस पॉइंट पर था, इससे फिर ये यहाँ पर पहुंच गया साउथ अमेरिका में इस पोर्शन पे पहुंच गया, फिर यहाँ से इस पॉइंट पर पहुंच गया, फिर यहाँ पहुंचा और फिर यहाँ पर पहुंच गया। तो इस तरीके से क्या होता है, ये मूवमेंट जो है मूव करता रहता है, तो ये क्या होती है? ओशन करंट्स। ओके, सो तीन तरीकों से, तीन मेन चीफ मूवमेंट्स होती हैं ओशन करंट की, वो होंगी वेव्स, टाइड्स एंड ओशन करंट्स। ओके, सो द फाइव मेजर ओशियंस आर द, अभी आपको बताया फाइव मेजर ओशियंस हमारे पास कौन से होते हैं? पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, ओके, एंड देन उसके बाद इंडियन ओशियन, आफ्टर द सदर्न ओशियन एंड देन आर्कटिक ओशियन। ठीक, तो इनके बारे में हम लोग अभी स्टडी करेंगे वन बाय वन। यस, सो फर्स्ट इज पैसिफिक ओशियन। सो यहाँ पर फर्स्ट लाइन क्या है? द पैसिफिक ओशियन इज अ लार्जेस्ट ओशियन। ये देखिए, अगर हम पिक्चर देखें इसकी, ये हमारा क्या है? पैसिफिक ओशियन। ओके, सो ये देखिए, ये पैसिफिक ओशियन, ये सारी बॉडी, ये कितना बड़ा जो पैसिफिक ओशियन है आपका, तो ये आपका सबसे लार्जेस्ट ओशियन है सभी ओशियन में। लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है? पैसिफिक ओशियन। अच्छा, कैसे? देखिए, अगर मान लो मैं ये हम मैप लेते हैं, इस मैप के अंदर क्या है? एक आपका ये वाला पोर्शन, इस ग्लोब के अंदर ये वाला पोर्शन आपके पास, ये सारा पैसिफिक ओशियन हो गया, ठीक है, इधर की साइड इस ये जैसे ग्लोब आपका ऐसे है ये, ठीक है, इधर से तो ये वाला आपके पास सारा पोर्शन क्या है? यहाँ पर पैसिफिक ओशियन है। ये कैसे दिखा रहा है इसे? देखिए, अगर ये आपको जो मान लो एक आपका ग्लोब है, उस ग्लोब को आप मान लो पेस पर बना रहे हो और पेस पर से उसको सीधा कर देते हो काट कर, ठीक है, तो काटते हो तो एक इधर आ गया पैसिफिक ओशियन, एक इधर आ गया। अगर मान लो आप इस वाले एरिया को उधर राउंड में ले जाकर इससे जोड़ दें, तो वो पूरा का पूरा एरिया पीछे से सारा क्या हो जाएगा? पैसिफिक ओशियन, जो कि किसको दिखाता है? ये वाला, ठीक है, इस ये अभी बीच में से यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, कैसे नजर आ रहा है? ये बीच में से ऐसे, देखिए अगर खोला जाए तो ये बीच में से ऐसे कटा हुआ है, ठीक है, इसको सीधा करके दिखाया हुआ है इसके अंदर, तो इसका ये वाला पोर्शन, ये जो है आपका ऑस्ट्रेलिया का ये वाला पोर्शन, ये वाला आ गया, और साउथ अमेरिका का इधर का पोर्शन ये वाला आ गया। वैसे ये पूरा का पूरा क्या है आपका? इस तरीके से पैसिफिक ओशियन है, पूरे ग्लोब के ग्लोब पर अगर आप देखें तो ये इतना बड़ा पैसिफिक ओशियन है। तो ये एक लार्जेस्ट ओशियन है सभी ओशियन में से, एंड इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। अच्छा, और ये पैसिफिक ओशियन जो है आपका, ये क्या है? ये अर्थ के 1/3 पार्ट पर ये ओशन फैला हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर एक है आपके पास मरियाना, मरियाना ट्रेंच, मरियाना ट्रेंच का आई थिंक हमने पढ़ा है, नाम याद होगा आपको, मरियाना ट्रेंच के बारे में मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में। सो मरियाना ट्रेंच हमने पढ़ी थी ना, कि जैसे देखिए हमने मैंने आपको बताया था कि मान लो हमारे पास ये क्या है? कंटिनेंट, ये लिथोस्फेयर है, लैंड मास है, यहाँ पर बीच में क्या हो गया आपके पास? ये आपका ओशियन बेस हो गया, ठीक है, ये आपके पास बेस हो गया ना, नीचे ये सारा आपके पास ओशियन हो गया, सारा यहाँ पानी भरा हुआ है, ठीक है, और फिर यहाँ पर फिर लिथोस्फेयर है आपके पास, लैंड मास है। तो जब मैंने आपको ट्रेंच बताया था, तो आपको बताया था कि जैसे ट्रेंच है यहाँ पर, तो ये जो मराइन ट्रेंच है, ये एक ट्रेंच यहाँ पर बनी हुई है, ये ऐसे ना अंदर तक ये ऐसे ट्रेंच बनी हुई है ओशियन के अंदर, ठीक
ठीक है, इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के अंदर इस तरह की ट्रेंच बनी हुई है और ये सबसे डीप है, डीपेस्ट ट्रेंच है ये अर्थ पर पैसिफिक ओशन के अंदर, जिसके अंदर आपका जो पूरा माउंट एवरेस्ट जो है वो इस इतना डीपेस्ट है ये, इतना डीप है ये मराइन ट्रेंच कि इसके अंदर आपका पूरा माउंट एवरेस्ट जो है वो इसमें समा सकता है, तो ये इतना डीप है। तो ये यहाँ पर नहीं, इधर ऑस्ट्रेलिया के पास ये जो है पैसिफिक ओशन के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के पास ये ऐसे ट्रेंच बना हुआ है ओशन के अंदर। ओके, सो मराइन ट्रेंच द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लाइज इन द पैसिफिक ओशन एंड द पैसिफिक ओशंस ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। ये पैसिफिक ओशन क्या होता है, ये ऑलमोस्ट क्या है, सर्कल देखे ना, तो सर्कल देख रहे हो ना, ये ऑलमोस्ट किसमें पैसिफिक ओशन क्या है, सर्कल शेप में होता है। और ये देखिए चारों तरफ ये किससे, यहाँ इधर एशिया कंटिनेंट से, इधर ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ओके, तो ये जो पास जो ये पैसिफिक ओशन है इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, एशिया एशिया ऑस्ट्रेलिया नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका सराउंड इट, इसको चारों तरफ से इन चारों ने, चारों कंटिनेंट से घेरा हुआ है। एंड इसको आप मैप में देख सकते हैं एंड यहाँ पर लोकेशन बता सकते हैं पैसिफिक इस कंटिनेंट्स पर, आप इन पैसिफिक ओशन के दिखा सकते हैं। देखिए ये क्या आपका क्या कहा, नॉर्थ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, तो ये वाला और ये वाला, ये सारा आपके पास क्या हो गया, पैसिफिक ओशन जो चारों तरफ से इन चारों से घिरा हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट इज अटलांटिक ओशन, तो अटलांटिक ओशन का आप मैप देखिए। यस, सो अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। जो ये अटलांटिक ओशन है आपका, ये अटलांटिक ओशन ये आपका वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट ओशन है। और ये देखिए ये यहाँ पर क्या है, इधर ये नॉर्थ अमेरिका जो है आपका, नॉर्थ अमेरिका इसके ये किस पार्ट में है, ईस्ट में, ठीक है, इसके अंदर, साउथ के भी ये ईस्ट में है। और अगर हम इधर बात करें कि जो हमारा यूरोप है, यूरोप के ये वेस्ट में और अफ्रीका के भी ये वेस्ट में, ठीक है। और ये आप अगर इसकी शेप देखें तो ये सारा जो है ये आपका क्या है, अटलांटिक ओशन। तो ये देखिए कौन सी शेप बन रही है इस अटलांटिक ओशन की, इस अटलांटिक ओशन की ये किस शेप के अंदर है, एस एस शेप के अंदर है। तो अटलांटिक ओशन आपका क्या होता है, एस शेप्ड होगा, ठीक है। और ये किस किस से कौन कौन से उससे ये घिरा हुआ है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के ये ईस्ट में और यूरोप और अफ्रीका कंटिनेंट के वेस्ट में है, उनको इस इन चारों ने घेरा हुआ है और ये एस शेप में आपका अटलांटिक ओशन है और ये सेकंड लार्जेस्ट ओशन है। सो अटलांटिक ओशन इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड एंड इट इज एस शेप्ड, इट इज फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, सॉरी नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड। द कोस्ट लाइन आपके पास यहाँ पर कोस्टल लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज हाईली इंडेंटेड। अच्छा, इसके साथ साथ देखिए एक चीज हो रही है यहाँ पर, ये आपको दिखाते हैं ये वाले मैप में। अब इस वाले जो ओशन है इसका एक मेन चीज और क्या है आपके पास, ये जैसे ये ना, इसके जो जितने भी ये कोस्टल एरिया है, ठीक है, जितने भी ये कंटिनेंट है इनके जो कोस्टल एरिया है, अब यहाँ पर इस अगर हम बात करें किसी भी कोस्टल एरिया की बात करें किसी भी कंटिनेंट पर, तो मान लो कोई कोस्टल एरिया जो है वो आपका ऐसा सीधा है, ठीक है, इस तरीके से सीधा कोस्टल एरिया, कोस्टल जो है आपका लाइन है, तो वहां पर पोर्ट बनाना, मान लो अगर आपको वहां पर पोर्ट बनाना है, ठीक है, कोस्टल कोस्टल एरिया में पोर्ट बनेगा, तो पोर्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अंदर कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, तो उसमें क्योंकि ताकि जो आपकी शिप्स हैं या कुछ भी है, ठीक है, तो वो इस पोर्ट पर यहाँ पर आकर उसको यहाँ पर पार्क किया जा सके। लेकिन अटलांटिक ओशन की एक जो है इसका एक सिग्निफिकेंस है, इसका एक बेनिफिट है कि जो अटलांटिक ओशन है यहाँ पर ज्यादातर जो कोस्टल एरिया है वहां पर रोक बहुत ज्यादा है। रोक की वजह से क्या होता है, वहां के जो कोस्टल एरिया है ना वहां पर वो मतलब कि उन रोक की वजह से ना वो टूट जाते हैं, तो वहां पर ना इस तरह के, ठीक है, ऐसे 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 करके ना ऐसे आपके पास ऐसे बने हुए हैं ट्रेंच, ये देखिए आपके पास, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे ना यहाँ पर ज्यादा आपको पोर्ट अगर बनाना है इन कोस्टल एरिया पे तो आपको ज्यादा कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपके पास देखिए मान लो यहाँ पर फिंगर टाइप के ऐसे बन गए, ठीक
ठीक है, ऐसे स्पेस बन गए। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इजिली यहाँ पर लाकर, यहाँ पर पानी भी होगा इस एरिया में, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये इस तरह के गड्ढे बन जाते हैं अंदर तक, तो यहाँ पर आप आसानी से लाकर अपने जो है, अपनी जो शिप है उनको यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। तो यहाँ ये जो है, ये एक आपको बड़े बनाए जो है बोट मिल जाते हैं, तो इस तरह का ये एक बेनिफिट है इसका, ठीक है। यहाँ अब ये क्या कह रहे हैं, तो ये आपके पास क्या हो गया, इसीलिए इसको बोलते हैं इंडेंटेड, हाईली इंडेंटेड, यानी पत्थरों का, जैसे ना टूटे फूटे जो होता है, टूटा फूटा कोस्टल एरिया जो, जिसमें क्योंकि रॉक है इस वजह से बहुत टूट फूट टूटा फूटा ये होता है इस तरीके का इनका कोस्टल एरिया। सो हाईली इंडेंटेड होते हैं, दिस इरेगुलर एंड इंडेंटेड कोस्टल लाइन, ये जो इरेगुलर और इंडेंटेड ये कोस्टल लाइन्स होती हैं, जो ये कोस्टल लाइन्स है इंडेंटेड और इरेगुलर, तो ये प्रोवाइड आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स, ठीक है। तो ये आपको नेचुरली मिल जाते हैं इस तरह के पोर्ट्स, आपको बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं होती, एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज बिजिएस्ट पॉइंट ओशन। अब यहाँ पर देख, वो कह रहा है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉमर्स मतलब यहाँ पर स्ट्रीम की बात नहीं कर रहा है वो, ठीक है, कि कॉमर्स साइड से है, कॉमर्स मतलब यहाँ पर बात कर रहे हैं ट्रेड की, व्यापार की। अब यहाँ पर अगर हम अटलांटिक ओशन देखें तो चारों तरफ ही किससे घिरा हुआ है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका, ओके। तो यहाँ पर अगर आप बात कर रहे हो इन सब की, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, काफी सेटलमेंट है, ह्यूमन सेटलमेंट है, पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या चलता रहता है, शिप से यहाँ पर एक दूसरी जगह पर ये शिप के जरिए व्यापार चलता रहता है, तो ट्रेड के लिए भी बहुत ज्यादा यहाँ पर ट्रेड बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए ये क्या है, एक बिजिएस्ट ओशन है, जिसमें ये आपस में, ये सभी कंटिनेंट जो हैं आपस में क्या करते हैं, व्यापार कर सकते हैं, ओके। तो ये आपके पास यहाँ पर इस तरीके से बनता है, क्लियर है स्टूडेंट्स? सो एक्चुअली स्टूडेंट्स द टाइम इज ओवर नाउ, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।